Welcome, knowledge seekers, to E for Education, your digital gateway to ACE competitive exams. Today, we delve into the intricate web of economics, focusing on the pulsating economy of Pakistan, a critical subject for the newly announced KPPSC's Provincial Planning Services exams. In this Pericla series, we'll discuss the crucial concepts of economics and their applications in an economy. So gear up for this enlightening journey. Remember, knowledge multiplies when shared. So like this video, subscribe to our channel and hit that bell icon. Stay updated, stay ahead. Hey everybody, welcome back to E for Education. I hope you guys are doing well today. So hum logo ne apne pichla jo hamara topic tha usme hum logo ne jo pichli do videos hum logo ne cover ki hain usme hum logo ne dekha tha ki ji theory of firm jo hai wo kya ho थ्योरी ऑफ फर्म जैसे हम लोगों ने बताया था कि ये हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थ्योरीज होता है ठीक है जी जिसमें फिर हम लोगों ने क्या देखना होता है कि जी आपकी जो फर्म है वो किस नोयत की है क्या वहाँ पे एक परफेक्ट कंपटीशन है या वहां पे मोनोपोली है या वहां पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है या वहां पे ओलिगोपली है ठीक है ये चार चीजें थी हम लोगों ने इन चार चीजों को देखा था फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि इन चार चीजों में लैंड लेबर एंड कैपिटल को बढ़ाने घटाने या इधर उधर करने से है आपकी जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है एंड बेस्ड ऑन दैट प्रोडक्शन आपकी प्राइसिंग किस किस्म की होगी ओके उसमें हम लोगों ने ये भी देखा था कि जी परफेक्ट कंपटीशन जो कि हमारे पास एक सॉर्ट ऑफ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है ठीक है जी अगर और ये होता भी आइडियल है बाय द वे ऐसी आइडियल सिचुएशन होगी तो उसमें जो आपकी प्राइस है वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं होगी बल्कि वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर क्या कर रही होगी बेस कर रही होगी ठीक सो एक ये आपकी क्या है थ्योरी ऑफ परफेक्ट कंपटीशन है आपके पास वहाँ पे उसमें आपके पास दोबारा एक तो फिर आप उसमें देखते हैं कि जी आपकी प्रोडक्शन किस तरीके से होगी ठीक आपकी प्रोडक्शन के अलावा जो सेकंड चीज़ है कि जी आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो किस तरीके से होगा आपका मार्जिनल रेवेन्यू आपकी मार्जिनल कॉस्ट वो किस तरीके से होगी आपका प्रॉफिट किस तरीके से होगा ये चीज़ें सो इन सब चीज़ों को देखने के बाद हम लोग ये अंदाज़ा उसमें लगाते हैं कि जी सो इन सब चीज़ों को देखने के बाद हम लोग इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जी जब आपके पास परफेक्ट कंपटीशन होगा तो उसमें आपका प्रोडक्शन किस तरीके से होगी फिर उसमें एमआर यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट ठीक है जी वो होने के और फिक्स्ड रेवेन्यू एंड फिक्स्ड कॉस्ट जो है आपके पास वो निकालने के बाद फिर आपका प्रॉफिट किस तरीके से बनेगा ठीक है इसमें आप प्राइसेस जो हैं वो किस तरीके से कर सकते हैं प्राइसेस पे कंट्रोल किसी का नहीं होता ठीक है इसी तरीके से आपकी जो मोनोपोली होती है मोनोपोली पे फर्म का सारा कंट्रोल होता है ठीक है जी कि आपका किस तरीके से आपका प्रॉफिट बनेगा या किस तरीके से आप अपना प्रोडक्शन को जो है बढ़ा के या घटा के आप अपना प्रॉफिट को कर सकते हैं मोनोपोली में हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जी आपके पास सब्स्टिट्यूशन जो है वो नहीं होगी फिर उसमें हम लोगों ने डिफरेंट किस्म के
डिफरेंट किस्म के हम लोगों ने वहाँ पे एग्जाम्पल्स भी पढ़ी थी, ठीक है जी, रियल टाइम एग्जाम्पल्स भी हम लोगों ने पढ़ी थी। सो ये जो आपके पास चार फर्म्स की प्राइसेस हैं और उसके ऊपर आपकी प्रोडक्शन, आपकी कॉस्ट, आपका रेवेन्यू और जो फोर्थ नंबर पे आपका प्रॉफिट है वो किस तरीके से चेंज होता रहता है, उस चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा था। और ये बेसिकली हमारे पास क्या थी, उसकी थ्योरी ऑफ फर्म का सारा जितना भी कॉन्सेप्ट था ये उसमें आ जाता है। ओके, सो बेसिकली आपको इसका मेन मकसद क्या था कि जी द प्राइसेस एंड जो आपका प्रॉफिट है, ठीक है जी, ये डिपेंड बेसिकली कर रहा होता है कि जी आपकी मार्केट किस किस्म की है। आपकी मार्केट जितनी ओपन होगी उतना ज्यादा जो है क्या होगा, जो वेल बीइंग ऑफ पीपल जो है वो एड्रेस हो रहा होगा, ठीक है। और जितनी ज्यादा क्लोज्ड होगी, यानी कि जितना ज्यादा आप मोनोपली में जा रहे होंगे, ठीक है, या आप जितना ज्यादा ओलिगोपली में जा रहे होंगे उतना ज्यादा जो है फर्म को या फर्म ओनर्स को जो है क्या हो रहा होगा, फायदा मिल रहा होगा। ये बेसिकली उसका सारा का सारा कॉन्सेप्ट था। सो पहले तो मेरा मूड ये था कि मैं इसको बहुत ही एलोंगेट करके और सारा का सारा जिस तरीके से एमए इकोनॉमिक्स के लेवल पे, मास्टर्स लेवल पर या बीएससी लेवल पर पढ़ाए जाते, पहले मेरा ये ख्याल था कि मैं उसमें फिर आपको जो प्रॉफिट में डिफरेंट किस्म के वो आ जाते हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट है, आपकी प्रॉफिट डिस्क्रिमिनेशन है, वो भी मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन फिर जब मैंने कोर्स को देखा है, थोड़ा बहुत स्टडी आउट किया, तो मुझे ये पता चला है कि जी उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को ज़ाहिर है वो पढ़ना चाहिए जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिसको हम लोग स्मार्ट स्टडी भी कहते हैं, ठीक है जी, कि आप हार्ड वर्क करने के बजाय स्मार्ट वर्क करें। आपको जो ज़रूरत है आप वो पढ़ें, ज़्यादा अफलातून बनने की ज़रूरत नहीं है, वरना फिर बंदा रगड़ा जाता है। सो स्टे ट्यून्ड, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी, प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। MCMR अप्रोच जो है उसको हम लोग बड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो सी यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।